चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमसे कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर आपसे कह रहा है कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 12.3 किलो पास्कल्स के बराबर। अच्छा ये बार पास्कल टॉर ये सब प्रेशर की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। मैंने ये सब लेक्चर्स वगैरह में बताया है आपको ध्यान में, अगर आपको ना हो तो इसीलिए मैंने एक बार फिर से बोल दिया, ठीक। तो पास्कल किलो पास्कल मतलब आपको क्या दिया, प्रेशर दिया हुआ है। आगे कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। अब अगर कह रहे हैं इस वाटर के अंदर अगर मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दूं और जो सॉल्यूशन बनके तैयार हो रहा उसका कंसेंट्रेशन है 1 मोलैलिटी। यहाँ पर 1 मोलल बोलने का मतलब ना 1 मोलैलिटी से, बात आ गई समझ में। तो आप ध्यान रखेंगे आपसे कह रहा 1 मोलल सॉल्यूशन का आप बताइए कि वेपर प्रेशर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पर आपको वो पी नॉट वाटर की वैल्यू गिवन है, वाटर का कितना वेपर प्रेशर दे रखा है 300 केल्विन पर 12.3 किलो पास्कल्स के बराबर। उसके अलावा ना आपको क्या बोल रहा है कि 1 मोलल सॉल्यूशन इसका मैंने एक बना दिया कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पर मिला के, तो आगे आपसे कह रहा है कि उसके लिए आप वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी होगी, बात आई समझ में। अब देखिए ये केस कौन सा हमारे लिए बन गया, केस हमारे लिए वही बन गया ना कि राउल्ट्स लॉ के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का राउल्ट्स लॉ का केस बना, और वो भी किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो अब इस केस में हमें यूज़ क्या करना होगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमारा एक लौता है स्टार फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या वो बनेगा, रिलेशन पी नॉट वाटर के लिए माइनस में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर अपॉन में पी नॉट किसका वाटर का इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बात आई आज समझ में आपको। अब यहाँ पे देखिए अननोन वेरिएबल्स सेलेक्ट करते हैं, क्यों गिर रहे हो भाई। यहाँ से देखिए पी नॉट आपको मालूम है, ठीक है, दे दिया है क्वेश्चन में आपको। पी एस की वैल्यू आपको पता होनी कि यही आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, लेकिन आपको ना एक्स बी अगर मालूम होगा यहाँ तभी आप आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर नहीं मिला तो आप यहाँ से आगे कुछ काम कर नहीं सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, बात आई समझ में। मतलब यहाँ पर आपको ए के बारे में भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और बी के भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है, कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से 1 मोलैलिटी ये जो सॉल्यूशन है में दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, इसी हिंट से मिलेंगे। दिस इज द पावर ऑफ एनसीईआरटी, इसीलिए इसको महान बोला जाता है। अब इस एक सेंटेंस 1 मोलल के अंदर देखिए कितनी बातें उसने आपको बता दी ना, ये मैं आपको यहाँ बता के दिखाता हूँ। 1 मोलल मतलब आप क्या समझते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को मैं 1 मोलल कब बोलता हूँ, जब 1 मोल जो हो सॉल्यूट का 1 मोल वो कितने में डिसॉल्व हो, डिसॉल्व हो 1 kg सॉल्वेंट में, बात आई समझ में। 1 किलो सॉल्वेंट में अगर 1 मोल डिसॉल्व हो तभी तो जाके मैं बोलता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन 1 मोलल है, सही है ना। देखिए मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट होता है सॉल्वेंट का, यहाँ पे 1 यहाँ 1 रखिए तो कितना आया 1 मोलल, मतलब 1 मोल डिसॉल्व है 1 किलो में, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो भी सॉल्यूट है मेरा बी, मान लीजिए बी क्या है सॉल्यूट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स यानी एन बी कितना है 1 है, बात आ गई ना आपको समझ में। दूसरा आपको सॉल्वेंट का यहाँ से वेट मिल गया कि सॉल्वेंट का वेट यहाँ पर कितना 1000 ग्राम के बराबर है, इसमें भी आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए अगर आपको कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो 1 तो आपको मिल ही गया, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्वेंट के वो कैलकुलेट करने हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट क्योंकि वाटर है इज इक्वल टू क्या, उसका वेट कितना 1000 ग्राम अपॉन में उसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है 18, हम सभी जानते हैं, और ये क्या है प्योर वाटर की मोलैलिटी जो कि कितनी होती है 55.5 के बराबर। इसे जब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा।
अब आपको दोनों चीजें मिल गई, बी के भी मोल्स मिल गए, ए के भी मोल्स मिल गए। अब करना है, ए मतलब वाटर, तो अब करना ही क्या है, काम आगे, काम 25 करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से पी नॉट की वैल्यू पटक देते हैं उठा के, क्वेश्चन में कितनी दी है 12.3, इसको पटका। पीएस, सॉरी यहाँ पर आपको हाँ पी नॉट की वैल्यू दी है, पीएस हमें कैलकुलेट करना है अपॉन में 12.3, अपना सॉरी मैं वापस लेता हूँ, वेस्ट नहीं करूँगा। तो 12.3 यहाँ रख दिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने 1 अपॉन में 1 प्लस 55.5 यानी कि बी के मोल प्लस 55.5 ये किसके वाटर के मोल। अब देखिए यहाँ से आपके सामने आया ये एक नंबर, यहाँ से जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, अब कैलकुलेशन करना तो यहाँ एकदम सिंपल ही है, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, ये क्वांटिटी जोड़ के इधर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से पीएस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और पीएस की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर इतना तो भरोसा है ये कि अब आप लोग जो है यहाँ से कैलकुलेशन फाइनली कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाएगा 12.08, और इसकी देखिए यूनिट क्या होगी किलो पास्कल, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें प्रेशर किस में दिया हुआ है किलो पास्कल में, और यहाँ पे हमने उसे एज इट इज उठा कर रख दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन में 12.08 दिया, 12.3 दिया था, ठीक है, तो ये हमने रख दिया 12.08 किलो पास्कल, हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। बात आ गई ना समझ में, एकदम प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट कहाँ पे था यहाँ पे इस वन मोलल, बताइए वन मोलल बोल के ना आपको NB दे दिया था, NA दे दिया था, सारी इंफॉर्मेशन उसने आपको प्रोवाइड कर रखी थी इसी एक छोटे से डायलॉग के अंदर। तो आपको समझ में आ गया ना, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, और ठीक ठाक क्या, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या कह रहा है, पढ़ता हूँ मैं, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है, मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल, उसका मास कैलकुलेट करिए जिसको, मतलब जितने मास को अगर 114 ग्राम ऑक्टेन में मिला दिया जाए तो ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है वो 80% रिड्यूस हो जाए। बात आ गई समझ, मतलब जो फाइनल वेपर प्रेशर हो बने सॉल्यूशन का वो ऑक्टेन के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से 80% कम हो जाए। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, कितना मास मिला दिया जाए सॉल्यूट का कि ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया क्यों है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा दिया नहीं है डेटा जो बढ़िया है, जब आप कैलकुलेशन आगे आप करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आखिर में बढ़िया है तो क्यों है। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ क्वेश्चन वो हमें करना कैसे, पहले गिवन डेटा नोट कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है 114 ग्राम हमें किसका दिया हुआ है, ऑक्टेन का। दूसरा हमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NVS दे रखा है, NVS कितना दे रखा है, कुछ भी मास हमें दिया नहीं, उसका मास तो हमें कैलकुलेट ही करना है, उसका हमें मोलर मास गिवन है, मोलर मास कितना दिया है 40 ग्राम पर मोल के बराबर, तो इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। आगे आपसे कह रहा है कि कितना मास, ये कितना मास मैं मिला दूं ऑक्टेन में कि उसका वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो जाए, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए करना यहाँ हमें कुछ ऐसा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे दिया है तो इतना तो हम जान गए, यहाँ पर भी अप्लाई होगा हमारा राउल्ट्स लॉ ही, मतलब हमें यूज़ क्या करना है, यही पी नॉट माइनस में पी ए अपॉन में पी नॉट ए वाला कॉन्सेप्ट, बात आई समझ में, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वाला, कोई दिक्कत आपको इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से मान लेता हूँ ना मैं कि ऑक्टेन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है पी नॉट ओ, मतलब पी नॉट ऑक्टेन के बराबर, ओ फॉर ऑक्टेन। अब देखिए मान लिया इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स के बराबर है, अपनी तरफ से मैंने ये भी लेट कर लिया क्वेश्चन में,
अब मुझसे ये कह रहा है कि इनिशियली जो मेरा वेपर प्रेशर है वो तो किसके बराबर है, एक्स के। और मान लीजिए मैंने एम जो सॉल्यूट का, जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका एम मास मिला दिया ऑक्टेन के अंदर, तो जो मेरा रिजल्टेड सॉल्यूशन बन रहा है फाइनली उसका वेपर प्रेशर कह रहा है 80% रिड्यूस हो जाए। मतलब पीएस की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, एक्स के 80% को रिड्यूस करने के बराबर है, एक्स के 80% को रिड्यूस करने के बराबर है ना। यही तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब मिला दूं और 100% से वो बस कितना रह जाए 80%। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, x का 80% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x इंटू 80 बाई कितना हो गया 100, बात आई समझ में। तो यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5, तो बचा कितना 4x/5, बात आ गई समझ में। ये हमें मिल गया फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब देखिए इसको वहाँ पे हम लोग चिपकाते हैं उस वाले फॉर्मूले में, तो P नॉट हमें कितना दिया है x, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस में फाइनल वेपर प्रेशर कितना है 4x/5 के, और अपॉन में टोटल जो P नॉट था वो कितना है x, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर मालूम है, नहीं मालूम है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे भाई 114 ग्राम ऑक्टेन दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल्स टू कितना होगा, उसका गिवन मास अपॉन में ऑक्टेन का मोलर मास। ऑक्टेन मतलब क्या, C8H18, और जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको 114 ही मिलेगा, कैलकुलेट करके आप सब लोग चेक कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ गए, 1 आ गए, बात आई समझ में। अब दूसरा यहाँ से आपको क्या करना है, बोल रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपको ये तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स थे, सॉल्यूट का तो हमें मास कैलकुलेट ही करना है, तो अपनी तरफ से मास उसका हमने कितना मान लिया है m, बात आई ना समझ में। और मोलर मास हमें उसका दे रखा है कितना 40, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, जो भी हमारा सॉल्यूट है, तो मान लेते हैं ns, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि कितने हैं m अपॉन में 40 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो इसके यानी m अपॉन में 40 प्लस में वाटर के जितने, सॉरी ऑक्टेन के जितने आए हैं यानी कि 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ से ये बना 5x माइनस में 4x अपॉन में 5, और ये x यहाँ पे फाइनली मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी बन गई 5x माइनस में 4x अपॉन 5x, तो ये हो गया आपका, यहाँ तो बचा 1x हमारे लिए, x अपॉन में 5x इज इक्वल्स टू m बाई 40 अपॉन में, देखिए ये 40 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो m प्लस 40 अपॉन में 40, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे लिए बचा क्या, बचा हमारे लिए 1 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू m अपॉन में यहाँ पर m प्लस 40, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, यहाँ पर हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, ये एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये एक्सप्रेशन काफ़ी सिंपल सी बन रही है जो कि बननी नहीं चाहिए। इनिशियल प्रेशर हमने कितना मान लिया, x मान लिया, x माइनस फाइनल प्रेशर हमारा कितना है 4x/5 के बराबर, तो ये हमारा हो गया 5x-4x x के बराबर, अपॉन में नीचे हमारा कितना हो गया 5x इज इक्वल्स टू m अपॉन में 40 m प्लस 40 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपको m की वैल्यू में मिल जाएगी, तो m यहाँ पे आपके लिए कितना आ गया m प्लस 40, m प्लस 40 इज इक्वल्स टू 5m यहाँ पर, तो m 5m वाले टर्म, m वाले टर्म आप एक तरफ कर लीजिए, तो m उधर गया तो बचेगा 5m माइनस में 4m, सॉरी 5m माइनस m यानी कि 4m इज इक्वल्स टू 40, और यहाँ से m इज इक्वल्स टू कितना आएगा 40/4 यानी कि 10 ग्राम के बराबर। मतलब आप 10 ग्राम डिसॉल्व कर दीजिए यहाँ पर किसका, जो भी आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है x, तो आपको मिल जाएगा जो है ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 80%,
रिड्यूस होके। बात आई समझ में? m की वैल्यू यहाँ से इस एक्सप्रेशन से आपको सिंपली निकाल लेनी है। एक्चुअली एक्सप्रेशन काफी सिंपल बन रही थी जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम से बनती नहीं है, तो इसी वजह से मैंने एक बार सोचा कन्फर्म करें कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिंपल ही बनेगी। तो m इज इक्वल्स टू 10 ग्राम हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक बार हम लोग आंसर को कन्फर्म भी कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आपको फाइनली वेट यहाँ पर मिल गया सॉल्यूट का 10 ग्राम के बराबर। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना, बस थोड़ा सा ध्यान आपको कहाँ देना था, लैंग्वेज के ऊपर। आपको बोलना था कि आप कितना मास डाल दीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कि ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है ये पी नॉट वो रिड्यूस हो जाए 20% तक, और फाइनली बचा हुआ जो आपका मतलब बचा हुआ वेपर प्रेशर हो वो कितना हो 80% हो, 20% रिड्यूस हो जाए, ठीक। लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना था, तो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा क्वेश्चन था सॉरी क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। चलिए एक क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे अगला अपना सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक बहुत ही धांसू तगड़ा भाकड़ कुछ भी आप कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ है नहीं लेकिन कहने को है बहुत कुछ, ठीक। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा सुनिएगा। अभी क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। आपसे कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 90 ग्राम वाटर में 30 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है। कह रहा हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 2.8 किलो पास्कल सॉल्यूशन का, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन। बाद में क्या किया गया, इस सॉल्यूशन में 80 ग्राम वाटर और मिला दिया गया, और आपसे कह रहा है एंड द न्यू ऑफ वेपर प्रेशर बिकम 2.9 किलो पास्कल। तो नया वेपर प्रेशर कितना हो जाता है 2.9 किलो पास्कल, 2.8 से बदल के 2.9 हो गया। तो आपसे आगे कह रहा है कैलकुलेट करिए पहला मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास क्या है, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन की 298 केल्विन पर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। बात आई समझ में? क्वेश्चन ये वाला बहुत ही अच्छा है। अच्छा क्यों है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो ये देखिए आप गिवन डेटा नोट करिए क्वेश्चन का क्या दिया है। आपसे कह रहा है वाटर है कितना 90 ग्राम और आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पर दे रखा है कितना 30 ग्राम के बराबर। ये एक सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर आपको कितना बोल रहा है इनिशियली PSI मतलब इनिशियल हम मान लेते हैं कितना दे रखा है 2.8 किलो पास्कल के बराबर। टेम्परेचर है कितना 298 केल्विन, मालूम है ना हम सारी चीज़ें एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। आगे यहाँ से आपको कह रहा है ये कैसा केस है बिफोर, पहले का हम मान लेते हैं, आफ्टर यानी बाद में क्या किया गया 18 ग्राम वाटर यहाँ पर और ऐड कर दिया गया। तो अब अगर फाइनली हम वाटर का वेट देखें तो 90 ग्राम पहले था प्लस 18 ग्राम उसमें और ऐड करके 108 ग्राम यहाँ पर वाटर अब टोटल हो गया, और हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना उसके मास में कोई चेंज नहीं है, उसका मास 30 ग्राम ही रखा गया है। तो अब जो सॉल्यूशन बना आपका उसका वेपर प्रेशर यानी PS फाइनल वाला ये कितना हो गया 2.9 किलो पास्कल के बराबर, और ये भी उसी टेम्परेचर 298 केल्विन पर। और आपसे कह रहा है कि आप मोलर मास कैलकुलेट करिए सॉल्यूट का कितना है, और दूसरा आप मुझे इसी पर वेपर प्रेशर वाटर का कितना है 298 केल्विन पर ये कैलकुलेट करके बताइए, ठीक। अब क्वेश्चन बढ़िया क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिख गया तो राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना है, मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि पी नॉट माइनस में पी सॉल्यूशन का अपॉन में पी नॉट ये वाटर का है, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं। बात आई समझ में? देखिए क्या आपको पी नॉट की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है। अच्छा ये बराबर किसके होता है एक्स बी के यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ
बी के बराबर, तो क्या आपको एक्स बी के बारे में यहाँ से कोई हिंट है? एक्स बी के बारे में भी आप कंप्लीट हिंट इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको ना मोलर मास भी नहीं दिया हुआ है सॉल्यूट का। तो अब तो यहाँ गया मामला फंस, क्यों? क्योंकि आपको दो चीजें एक ही इक्वेशन से कैलकुलेट करनी है। कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, यही तो हमें सोचना है, और ये हमें सोचना ना पड़े इसीलिए मुझे क्वेश्चन के अंदर दो केस दिए हुए हैं, बिफोर केस एंड आफ्टर केस, केस नंबर वन, केस नंबर टू। इस केस से आपको मिलेगी एक इक्वेशन, दूसरे केस से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगी। दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करके आप उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसे किसी इक्वेशन में पुट करके सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ये मेथड है क्वेश्चन को करने का, ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ से देखिए, मैं पहले वाली केस के लिए बात करता हूँ, फर्स्ट केस के लिए। तो यहाँ पर देखिए पी नॉट वाटर, ये पी नॉट वाटर लिखा है, पी नॉट वाटर हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है नहीं, हमें ये भी कैलकुलेट ही करना है। माइनस है पी एस, पहले केस के लिए मुझे कितना दिया है 2.8 किलो पास्कल के बराबर, अपॉन में पी नॉट हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब उसका वेट, बी का वेट कितना दिया है सॉल्यूट का 30, अपॉन में मास मान लेता हूँ मोलर मास एम, अपॉन में 30 प्लस एम इसका मोल, प्लस मुझे वाटर कितना दिया हुआ है 90, और उसका मोलर मास कितना होता है 18, तो ये डेजो कट के मुझे कितना देगा 5, तो 90 डिवाइड बाई 18 5, तो ये मैंने लिख दिया, और ये इक्वल्स टू होगा किसके 30 अपॉन में m अपॉन में, देखिए यहाँ पे 5m हो जाएगा, तो 30 प्लस 5m अपॉन में m, तो m से m यहाँ उड़ जाएगा, और देखिए अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो 5 कॉमन लेते ही यहाँ पर देखिए क्या बनेगा 6, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा बाहर, और इस 5 से ये 30 जाएगा 6 टाइम्स में, तो फाइनली ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई 6 अपॉन में 6 प्लस m में। बात आई आपको समझ में? अब यहाँ से देखिए मैं एक काम और कर सकता हूँ, ये जो लिखा हुआ है मेरे सामने इसे अलग अलग करके अगर लिखूँ तो पी नॉट डब्ल्यू अपॉन में पी नॉट डब्ल्यू माइनस में 2.8 अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू वो 6 अपॉन में 6 प्लस एम, कोई डाउट आपको इसमें? तो देखिए ये कट के कितना आएगा 1, और ये फाइनली बचा, तो इसमें देखिए अब P नॉट का वेरिएबल ना हमने सेपरेट कर लिया, तो हम इसको एक साइड भेज देते हैं, तो इसे एक साइड जब हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.8 अपॉन में P नॉट इज इक्वल्स टू, ये इधर ले आता हूँ तो यहाँ बचा 1, इधर आएगा तो ये माइनस में 6 अपॉन में 6 प्लस एम, यानी फाइनली ये आपके सामने कितना आ जाएगा 2.8 अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू 6 प्लस एम माइनस 6, तो 6 प्लस एम माइनस 6 से 6 उड़ जाएगा, तो फाइनली बचेगा कितना m अपॉन में नीचे 6 प्लस एम। बात आ गई आपको समझ में? अब यहाँ से देखिए ये एक इक्वेशन हमें मिल गई m और p नॉट के फॉर्म में। अब देखिए एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल m और p नॉट, तो इसे हम यहाँ से नहीं कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, एक इक्वेशन से हम दो वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते तो हम भाई कर सकते थे, हमारे तो सब कुछ पॉसिबल है, हम एक वेरिएबल इमेजनरी मान के सब कर लेते, बट वो आगे का खेल होता है जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते। तो अब मैं लूँगा हेल्प अपने दूसरे वाले केस की, ठीक है? सेकेंड केस अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं देखिए ये जो मैंने ताम झाम यहाँ पर इतना किया है इसको रफ कर देता हूँ, बिकॉज आप वीडियो को एक बार फिर से जो है पीछे करके देख लीजिएगा कि कौन सी इक्वेशन क्या बन रही थी। फाइनल इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ जो मुझे मिली थी, क्या 2.8 अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू एम अपॉन में 6 प्लस एम। बात आ गई समझ में? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जिसे मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ से ना सेकेंड केस को चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक? सेकेंड केस देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेकेंड वाले केस के लिए भी हम राउल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए पी नॉट माइनस में इस बार मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.9 हो गया है बाद में बदल के, अपॉन में नीचे पी नॉट, तो देखिए हम इसको इस बार अलग अलग करके ही लिख देते हैं, आपको समझ में तो आ ही गया है कि कैसे हमें क्या चीज़ें करनी है, इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी कि वेट उसका कितना 30 अपॉन में मॉलिकुलर मास कितना मान लिया मोलर मास m अपॉन में फिर से 30 बाई m प्लस लेकिन 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 इस बार वाटर के देखिए वेट बदल गया है क्योंकि 18 ग्राम वाटर हमने और ऐड कर दिया है तो ये 108 अपॉन में m सॉरी 18 वाटर का मोलर मास तो ये आपको कितना मिलेगा इस बार 6 के बराबर तो यहाँ से देखिए आपको मिल गया ये 6। बात आई समझ में? अब यहाँ से देखिए फाइनली ये कितना बनेगा 30 अपॉन में m डिवाइड बाई 30 और ये हो जाएगा 30 प्लस 6 टाइम्स ऑफ m अपॉन में m तो m से m हो गया डिवाइड और 6 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 6 कॉमन लेते देखिए ये बन जाएगा 5 और यहाँ पे केवल बचेगा m और बाहर 6 आ जाएगा तो इस 6 से 30 जाएगा 5 टाइम्स में तो फाइनली यहाँ इक्वेशन क्या बनी 5 अपॉन में 5 प्लस m। बात आई समझ में? और जब यहाँ से देखिए P0 उड़ के बचा 1 तो यहाँ से जब आप इसे उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसे इधर तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी 2.9 अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू 1 और वो इधर आएगा तो माइनस में 5 अपॉन में 5 प्लस m। बात आई समझ में? 5 प्लस m माइनस 5 कितना बचेगा केवल m अपॉन में नीचे क्या बचेगा 5 प्लस m। तो अब अगर हम यहाँ से फाइनली पूरी कंप्लीट इक्वेशन सेकेंड वाले लिखना चाहें तो ये क्या बन गई 2.9 अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू m अपॉन में m प्लस 5। आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये आपको मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आप आगे काम कर सकते हैं। अब आप आगे काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। आप इजीली किसी एक वेरिएबल को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू पुट करके दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाली को डिवाइड लगा देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से। आप किसी को भी किसी से डिवाइड लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा 2.9 अपॉन में P0 और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आएगा और चेंज होकर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा 2.8 ये बन जाएगा P0 अपॉन में 2.8। बात आई समझ में? इज इक्वल्स टू वहाँ पर m अपॉन में m प्लस 5 ठीक है इनटू में जब ये वाला टर्म उसके डिवाइड में लगेगा तो ये भी पलट जाएगा तो ये बन जाएगा 6 प्लस m अपॉन में इधर से क्या m। बात आ गई समझ में? अब देखिए यहाँ से m से गया m कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 2.9 अपॉन में 2.8 तो यहाँ से देखिए आप पॉइंट पॉइंट को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं इज इक्वल्स टू 6 प्लस m अपॉन में m प्लस 5। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आपको मिलेगा 29m प्लस में 5 इंटू में 29 मतलब ये फाइनली मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 5 9 45 और 5 2 10 14 ठीक इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इधर करिए तो आपको मिलेगा 28m प्लस में 8 6 48 और 4 आपको बचा 6 2 हो जाएगा आपका 12 और प्लस 4 16 तो 168। इधर m को ले आते हैं तो 29m माइनस में 28m कितना हो जाएगा m बचेगा इज इक्वल्स टू इसे आप उधर भेजिए तो 168 माइनस में 145 तो ये आपका 15 और 8 हो जाएगा मिला के 23 तो m इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 23 ग्राम आपका एक आंसर यानी m की वैल्यू यानी मोलर मास आपको कितना मिल गया 23 ग्राम के बराबर। अब इसी m की वैल्यू आप इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए इसी इक्वेशन में अगर पुट कर दीजिए आप तो इसको देखिए मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ जगह क्योंकि है नहीं हमारे पास। तो अब m की वो जो वैल्यू मिली 23 उसे यहाँ पुट करिए तो 2.8 अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू 23 अपॉन में 6 प्लस 23 कितना हो जाएगा 29 और P0 इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ से क्या बनेगा 2.8 इंटू में 29 अपॉन में यहाँ पर डिवाइड बाई 23 तो यहाँ से आपको P0 की वैल्यू मिल जाएगी और जो भी वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी किलो पास्कल्स में। कैलकुलेशन भी आप यहाँ पर खुद ही कर लीजिएगा। आंसर मैं आपको फाइनली बता देता हूँ P0 की वैल्यू जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा P0 यहाँ पर
3.53 किलो पास्कल्स के बराबर, ये वैल्यू आएगी 3.53 किलो पास्कल के बराबर। बात आ गई आपको समझ में? तो ये हो गया हमारा एक और बढ़िया ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बस ध्यान क्या रखना था, हमें ये ध्यान रखना था ना कि एक इक्वेशन एक वेरिएबल देख के हम फंस जाते, आगे हमारा दिमाग ही नहीं काम करता कि हम काम करें कैसे। इसीलिए हमें क्वेश्चन में दो केसेस दे रखे थे, इन दो केसेस की मदद से दो इक्वेशन हमें बनानी थी और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। देखिए मैंने आपको तुरंत तुरंत सारी चीज़ें बता दी ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा ईजी लग रहा होगा आपको कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हम आराम से कर लेंगे। बट जब आप इस क्वेश्चन को एट रैंडम एक बार एक किसी इंस्टेंट पर लेके बैठते ना, फ्यूज़ उड़ जाएगा एकदम, अरे करें क्या, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, सो बी केयरफुल, जो भी मार्किंग्स मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ उनको आप लोग ध्यान देते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग हमारा देख लेते हैं अगला, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा वो है अ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। हमसे कह रहा है कि केन शुगर का वाटर में बना हुआ एक सॉल्यूशन है 5% बाय मास, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271 केल्विन पर है। बात आई समझ में? मतलब 271 केल्विन उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, बिकॉज टेम्परेचर होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब। तो ये हो गया। आगे हमसे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। आगे आपसे कह रहा है कि अगर इस सॉल्यूशन की जगह हम वाटर में ग्लूकोज का एक 5% सॉल्यूशन बनाए, केन शुगर वाले की जगह किसका, ग्लूकोज का, तो बताइए ये जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है प्योर स्टेट में 273.15 केल्विन के बराबर। बात आई आपको समझ में? तो क्वेश्चन भी देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। यू नो द मीनिंग ऑफ तामझाम, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इसमें कार्यवाही नहीं करनी है। समझते हैं क्वेश्चन को, सिंपली आपको दो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, अब दो सॉल्यूशंस कैसे, एक सॉल्यूशन है आपका किसका, केन शुगर का, और दूसरा सॉल्यूशन है आपका किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप बताइए इस अगर केन शुगर वाले सॉल्यूशन कितना है 5%, यानी इसमें केन शुगर, अच्छा केन शुगर मतलब होता क्या है, वही चीनी जो हम खाते हैं यानी सुक्रोज C12H22O11। जब भी बोले केन शुगर चीनी तो आप समझ जाएंगे सुक्रोज यानी C12H22O11, जो कि कितना दे रखा है हमें इसका वेट ऑफ सुक्रोज 5 ग्राम, क्योंकि हमसे 5% बाई मास बोल रहा है। मतलब यहाँ पर हमारे सामने अगर वाटर की बात करें तो वाटर कितना हो गया, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 95 ग्राम के बराबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हमें। अब यहाँ से देखिए इसका आपको बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF कितना हमें दिया हुआ है 271 केल्विन के बराबर यहाँ पर। ठीक है, और आगे हमसे कह रहा है कि अगर इसी की जगह हम एक ग्लूकोज का यानी C6H12O6 का 5% सॉल्यूशन बना दें, तो बताइए इसका 5% यानी वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है इसमें 5 ग्राम, और यहाँ पर भी वाटर का वेट कितना होगा 95 ग्राम। तो अब बताइए इसका TF कितना होगा, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। चलिए हम इसको T-F मान लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर वाटर का जो प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 273.15 केल्विन। अब देखिए ये तो फिक्स होगा हमेशा ना, वाटर का तो प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो ही नहीं सकता है। बात आ गई समझ में? अब ये देखिए यहाँ पर आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हमने फॉर्मूला क्या देखा था, ΔTF यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KF इंटू में क्या, मोलैलिटी। बात आ गई आपको समझ में?
यहां पर आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, आपको यहां से जो है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, मोलैलिटी आप यहां से निकाल ही लेंगे, बचेगा क्या केएफ, तो केएफ की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी सॉल्यूशन में। तो देखिए सबसे पहले हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ कितना होगा इस केस में, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होता है टी नॉट एफ माइनस में टी एफ, याद रखना होगा आपको टी नॉट एफ कितना दिया है 273.15 माइनस में टी एफ आपको कितना दे रखा है 271 केल्विन के बराबर, मतलब ये कितना आ जाएगा 2.15 केल्विन, क्या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर है 2.15 इज इक्वल्स टू, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 2.15 इज इक्वल्स टू के एफ जो कि हमें मालूम है नहीं, हमें दिया है नहीं, इनटू में मोलैलिटी, मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सुक्रोज यहाँ हमारा सॉल्यूट है तो 5 अपॉन में 342 होता है सुक्रोज का मॉलिकुलर वेट, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इनटू में हमें क्या रखना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास यहाँ कितना देखा 95 ग्राम, लेकिन हमें किस में रखना होता है किलोग्राम में, तो 95 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात आ गई समझ में। यहाँ से आपको मिलेगी के एफ की वैल्यू, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो के एफ आपको कितना मिलेगा मैं बता देता हूँ, के एफ की वैल्यू आप जो यहाँ से पाएंगे वो आएगी आपकी 2.15 अपॉन में 0.146 के बराबर, ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ से देखिए आपको के एफ मिल गया, अब आपको निकालना है क्या, यहाँ से आपको नेक्स्ट वाला जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी ठीक है हाँ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, लेकिन अब आप बोलेंगे एक बात बताइए के एफ तो जो मुझे मिला है वो इसके केस में मिला है, इसका के एफ हम उसके लिए कैसे रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, बिकॉज के एफ इज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट एक सॉल्वेंट के लिए ना हमेशा एक ही होता है, चाहे उसमें सॉल्यूट कोई भी डाल दिया जाए, तो ये बात याद रखिएगा कि के एफ की वैल्यू एक सॉल्वेंट के लिए हमेशा एक ही होती है, चाहे सॉल्यूट आप कुछ भी डाल दीजिए, चीनी डालिए, ग्लूकोज डालिए, कुछ भी वाटर है अगर, तो उसके लिए के एफ हमेशा सेम होगा, बात आ गई समझ में। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला अगेन हम यही अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा टी एफ, क्योंकि अब डेल्टा टी एफ हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसी को कैलकुलेट करना तो मेरी प्रायोरिटी है, हम कर भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मुझे इस बार टी एफ तो मालूम है ही नहीं, तो मैं डेल्टा टी एफ कैसे कैलकुलेट करूं, तो इसे कैलकुलेट कर लूंगा तो ये टी एफ भी मिल जाएगा मुझे, तो डेल्टा टी एफ इस केस में इज इक्वल्स टू के एफ, के एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली है 2.15 अपॉन 0.146 के बराबर, इनटू में देखिए मोलैलिटी रखनी होगी, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मोलैलिटी कितनी होगी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पर ग्लूकोज का वेट 5 डिवाइड बाई उसका मोलर मास 180 होता है, अब तो याद ही हो गया होगा आपको, नहीं याद है तो फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, इनटू वाटर का जो सॉल्वेंट है उसका मास 95 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो 1000 अब ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे देखिए वो आपको मिलेगी, डेल्टा टी एफ आपको मिलेगा यहाँ से 4.09 केल्विन, 4.09 केल्विन के बराबर, बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए डेल्टा टी एफ तो ये मिल गया आपको, यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, टी एफ कैलकुलेट करना है, तो टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा टी नॉट एफ माइनस में डेल्टा टी एफ के बराबर, अरे यहाँ से आप देख लीजिए टी एफ इज इक्वल्स टू आपको कैलकुलेट करना है ना, तो इसे इधर ले आइए, तो टी नॉट एफ माइनस में डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा टी एफ के बराबर, तो यहाँ से ये आ जाएगा टी नॉट एफ कितना 273.15 माइनस में आप यहाँ पे कर दीजिए 4.09, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा फाइनल आंसर जो कि आपको कितना मिलेगा 269.06 केल्विन के बराबर, तो 269.06 केल्विन ये आंसर आ गया, मतलब ये आ गया आपके ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट।
ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ट्रिकी था थोड़ा सा, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। इसमें आपको बस ध्यान कहाँ देना था कि आपको एक सॉल्यूशन की हिंट दे रखा है, क्यों, केएफ निकालने के लिए, और आपको इस वाले सॉल्यूशन से केएफ की वैल्यू निकाल के इस सॉल्यूशन में पुट करनी थी। यही इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि केएफ की वैल्यू एक सॉल्वेंट के लिए एक ही रहती है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज तो फिर बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी आगे के जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, जाते जाते जितना भी मैंने आज आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, सॉल्व करके एक बार खुद आप ट्राई कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर के भी जो क्वेश्चंस थे, आई होप आपने उन्हें भी सॉल्व कर ही लिया होगा, बट अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कम से कम अपने काम में तो कंजूसी मत करिए, उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। जो भी आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए उनका पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिंक उसका, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा। मार्किंग आपको ज़रूर कर लेनी है कॉन्सेप्ट्स की, जो कि मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में भी कहा था। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लासेस में, बाय।